हेलो ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोस की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रदीप जी हैं जो उत्तराखंड से यहाँ पे सर्जरी करवाने आए हैं, तो हम आपसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि उनको यहाँ पे कैसा फील हुआ। प्रदीप जी, कैसा लगा आपको यहाँ पे? आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पहुँचे कैसे? मोबाइल के थ्रू पहुँचे थे, यूट्यूब में वीडियो देख के मुझे अच्छा लगा, बात करके भी अच्छा लगा, उसके थ्रू भी यहाँ पे आए। आपको लिगामेंट की चोट लग के कितना टाइम हो चुका था? ये एक महीने से ऊपर हो गया सर। आपको क्या दिक्कत आ रही थी लिगामेंट में? दिक्कत यह चलते चलते कभी घुटने ऐसे नीचे आ जा रहा था। अच्छा, तो आपने वहाँ उत्तराखंड में दिखाया था? जी, तो उत्तराखंड में लगभग मैंने 4-5 डॉक्टर को दिखाया था। अच्छा, 3 डॉक्टर तो ऐसे बोला कि ऑपरेशन होगा और बाकी 1 डॉक्टर ऐसे बोला कि बिना ऑपरेशन के हो जाएगा। सही, मैंने उनसे लगभग 15-20 दिन का इलाज करवाया, मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं आया। ये वाली बात आपको बहुत अच्छी तरह समझनी है कि अगर आपका लिगामेंट पूरी तरह टूट चुका है, तो जैसे काफी लोग आपको ये सलाह दे सकते हैं कि हम एक्सरसाइज से या तेल से या इंजेक्शन से या पट्टा बांध के लिगामेंट को सही कर सकते हैं, पर इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा कुछ फायदा नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए, इन्होंने अच्छी स्मार्टनेस दिखाई कि कई सही टाइम पे आ गए, वरना हम लोगों ने ऐसे ऐसे भी केस देखे जिनमें लोग एक एक साल तक या दो दो तीन तीन साल तक भी पट्टा बनवाते रहते हैं और उसके बाद भी उनकी जो लिगामेंट है उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं आती, तो इससे टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आपके यहाँ पे ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? बढ़िया रहा था। आपको लगा कि ऑपरेशन के दौरान कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ या कुछ हो? मुझे पहले तो डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद से डर का कोई वजह नहीं। मैं खुद देखा अपने ऑपरेशन को कैसे हुआ कि देखो कितना टूट गया था, लगभग 10-15% बचा हुआ था, वो भी मेरे कहते खींच गया था, बाकी उसी चीज को चेंज किया। अभी आप सेटिस्फाइड हैं आपकी सर्जरी से? जी। अब आज आप वापस जा रहे हैं, हम आपको बधाई देते हैं ऑपरेशन के चुनाव के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप एकदम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, ओके।